क्या करते हैं, चाबी को ऑफ कर देते हैं और धक्का देते हुए बाद में क्लच छोड़ने के बाद उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तब तक क्या पीछे वाले लोग धक्का देने वाले थक जाते हैं और फिर बाद में चाबी ऑन करने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तो इग्निशन स्विच आपको ऑन रखना है, गाड़ी को धक्का दिलवाना है, गियर सेकेंड या थर्ड नंबर गियर रखना है और फिर जाकर के आपको झटके में क्लच छोड़ना है। जैसे ही हल्का इंजन स्टार्ट हो वापिस क्लच दबा देनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कार की बैटरी डाउन हो जाए तो आप अपनी कार को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और आपकी बैटरी कार की डाउन कैसे होती है और कैसे पता चलेगा कि आपकी कार का बैटरी डाउन हो चुका है। ये पूरी ये संकेत है कि इससे पता चल जाएगा कि हाँ श्योर है आपकी कार की बैटरी डाउन हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं इन्हीं के बारे में आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपकी कार की अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो कैसे पता चलेगा कि कार की बैटरी डाउन हो गई। कार की बैटरी डाउन हो जाने के बाद एक तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन गाड़ी न स्टार्ट होने के कई सारे रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी कार की बैटरी ही डाउन हो सकता है सेल्फ खराब हो गया हो सकता है आपकी कार की पेट्रोल का सप्लाई का पाइप कट गया हो या और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अपने को ये श्योर होना है कि हाँ हमारी कार की बैटरी ही डाउन है। उसके लिए अपन दो तीन चीजें देखेंगे, जैसे हॉर्न बजा के। ये हॉर्न हमारा ठीक बज तो रहा है, लेकिन कई बार क्या डाउन बैटरी में भी हमारी हॉर्न लगभग ठीक ठाक बज जाती है क्योंकि हॉर्न ज्यादा पावर नहीं लेती है। तो दूसरा चीज अपन क्या चेक करेंगे, ये चाबी को ऑन करके अपन पावर विंडो को ऊपर करके चेक करेंगे। अगर ठीक स्पीड में पावर विंडो ऊपर और डाउन अप डाउन अगर हो रही है तो समझेंगे कि बैटरी हमारी चार्ज है। और ये सब दो तीन चीज़ों से, या फिर बॉडी की लाइट भी अपन यहाँ से ऑन करके देख सकते हैं। जैसे अगर सही वोल्टेज में हमारी लाइट ऑन हो रखी है मतलब बैटरी चार्ज है, और अगर डाउन जल रही है, डिम जल रही है, तो समझेंगे कि वोल्टेज हमारी कम है मतलब हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है। तो जब गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी रहती है तो अपन स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाते हैं गाड़ी को, धक्का लगा करके क्लच से झटका देते हैं और गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कार की बैटरी डाउन क्यों होती है। जैसे आप अपने कार को चलाए, घर पे लाए और म्यूजिक प्लेयर बंद गाड़ी में, जैसे इंजन स्टार्ट नहीं है और खड़ी गाड़ी में आप म्यूजिक प्लेयर ऑन किए, चालू किए और गाना वगैरह आप सुने, और फिर रात में आप म्यूजिक प्लेयर बंद करना भूल गए या फिर चाबी को ऑन करके छोड़ दिए, पूरी तरह से सभी जगह कार में करंट का सप्लाई जा रहा है और आप क्या है कि चाबी बंद ही करना भूल गए, तो उस स्थिति में क्या रात भर में आपकी कार की बैटरी डाउन हो जाएगी। या फिर कई बार क्या, जैसे बॉडी लाइट को ऑन किए या बच्चे लोग ऑन कर दिए, आप स्वयं अगर खुद नहीं ऑन किए हैं तो आपके बच्चे ऑन कर दिए और बॉडी लाइट को ऑफ करना भूल गए, या फिर हेड लाइट ऑन करने के बाद ऑफ करते टाइम पूरा ऑफ ना करके आप हाफ लाइट ऑफ किए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि रात भर में आपकी कार की बैटरी डाउन हो जाएगी और सुबह जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि धक्का में आपको अपनी कार को कैसे स्टार्ट करना है और कैसी रोड पे आप स्टार्ट करेंगे तो इजीली आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी, और कितने नंबर गियर पे आप कार को स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फाइनली अपनी कार को धक्का में स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मेरी कार का क्या हो चुका है कि बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। मैं लाइट ऑन करके छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कि आप सबको पता चले कि धक्का में कार को कैसे स्टार्ट करना है। तो मेरी कार की बैटरी डाउन हो चुकी है और मेरी कार सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं फाइनली क्या अब धक्के में कार को स्टार्ट करने वाला हूं। तो कार स्टार्ट करने के लिए अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी या तो दो तीन लोग पीछे से धक्का देने के लिए पूरा अच्छी तरह से रेडी होना चाहिए, दो तीन लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर दो तीन लोग नहीं है तो थोड़ी ढलान वाली सड़क होनी चाहिए। तो मैं क्या ढलान वाली सड़क को चूज किया हूं कि आसानी से मेरी कार स्टार्ट हो सके। मेरे पास धक्का देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक से दो लोग हैं, तो मैं ढलान वाली सड़क पे इसीलिए लिया हूं कि कम लोगों में भी कार को स्टार्ट कर सकूं। तो मेरी कार की बैटरी डाउन हो चुकी है और मैं कार स्टार्ट करने वाला हूं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को ध्यान क्या देना है कि अपने को चाबी को ऑन करना है। ये मीटर पे हमारी करंट आ गई है, जो भी थोड़ी बहुत बैटरी में बची हुई है चार्जिंग, उसी से अपन कार स्टार्ट करेंगे, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट नहीं होगी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, धक्के में स्टार्ट होगी। ये मैं चाबी इसलिए ऑन कर दिया कि थोड़ी बहुत भी इंजन को करंट की जरूरत पड़ती है। ये मैं चाबी स्टार्ट कर दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में जैसे खड़ी गाड़ी को आगे चलाते हैं उसी तरह से वो क्या करते हैं कि फर्स्ट गियर में धक्का में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है।
आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। हमेशा धक्का में जब कभी भी कार स्टार्ट करेंगे तो पहले तो चाबी स्विच ऑन करना है और उसके बाद आपको गियर सेकेंड या थर्ड नंबर गियर रखना है। ये मैं अपनी कार को धक्का देने के लिए बोल दिया हूँ, भैया को गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और ये मेरी गाड़ी स्पीड हो चुकी है। मैं क्या ये सेकेंड नंबर गियर लगाया और चाबी ऑन है, मैं ये झटके में क्लच छोड़ रहा हूँ, ये झटके में क्लच छोड़ा, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब मैं वापिस से क्लच दबा दिया और साइड में मेरी गाड़ी को मैं लेकर के रोक दिया हूँ। ये मैं झटके देकर के क्लच को छोड़ा, जैसे ही इंजन झटका लिया और गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं वापिस से क्लच दबा दिया और मैं अपनी कार को यहाँ पे पार्किंग में लगा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, कैसे कार को धक्का में स्टार्ट करते हैं ये आप समझ चुके होंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कार की बैटरी डाउन हो तो या तो कोई चार्जिंग बैटरी ला करके उस बैटरी से कनेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, या उस बैटरी को चार्ज करवाना पड़ेगा। चार्जिंग करने में कम से कम 3 से 5 घंटा टाइम लगेगा, फिर जाके आपकी बैटरी चार्ज होगी। तत्काल में आपकी कार को स्टार्ट करना है तो आपको 2 से 3 लोग लगेंगे। चाबी को ऑन रखना है, कई लोग क्या करते हैं चाबी को ऑफ कर देते हैं और धक्का देते हुए बाद में क्लच छोड़ने के बाद उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तब तक क्या पीछे वाले लोग धक्का देने वाले थक जाते हैं और फिर बाद में चाबी ऑन करने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तो इग्निशन स्विच आपको ऑन रखना है, गाड़ी को धक्का दिलवाना है, गियर सेकेंड या थर्ड नंबर गियर रखना है और फिर जाकर के आपको झटके में क्लच छोड़ना है। जैसे ही हल्का इंजन स्टार्ट हो वापिस क्लच दबा देनी है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड अलग रहती है और गियर अलग होता है, तो उस वजह से कई बार क्या होता है कि फिर बंद होने का भी चांस रहता है। तो वापिस से क्लच दबाने के बाद एक्सेलेटर लेके थोड़ा इंजन को रेस करिए, साइड में रोकिए गाड़ी और फिर से आप वापिस से चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।